नमस्कार, आप भारत लाइव देख रहे हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बिहार में राजनीतिक रूप से काफी उथल पुथल मचा हुआ है और खास करके एक समाज को लेकर के इस बात की तरफ इशारा किया जा रहा है कि वो समाज अब भारतीय जनता पार्टी से अलग हो रहा है। और ये बात तब से शुरू हुई थी जब MLC चुनाव के लिए एक भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता सच्चिदानंद राय का टिकट काटा गया था। इसके बाद से बिहार में बहुत तरह की बातें शुरू हो गई और उन बातों को लेकर के कई तरह की बातें सामने आई। और अब ये बात और ज्यादा महत्वपूर्ण हो गई है जब खुद सत्यनारायण राय चुनाव जीतने के बाद ये स्पष्ट नहीं किए कि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेंगे या फिर उनका अगला स्टेप क्या होगा। लेकिन प्रशांत किशोर से उनकी मुलाकात के बाद बिहार की राजनीति जबरदस्त ढंग से गर्मा गई है और कहा जा रहा है कि बिहार में एक नए धारा की राजनीति की शुरुआत होने जा रही है। सत्यनारायण राय जी हमारे साथ हैं, हम इनसे खुद जानना चाहेंगे कि आखिर ये मुलाकात किस तरह की है और इस मुलाकात के क्या मायने निकाले जाए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत आभार है आपका कि भारत लाइव से आपने बात करने के लिए समय निकाला। जी देखिए, ऐसा है, पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरी प्रतिक्रिया जानने की कोशिश की जी। लेकिन आपने कहा बहुत सारे मायने निकाले जा रहे हैं, मायने तो निकलेंगे क्योंकि प्रशांत किशोर से जब भी कोई मिलेगा और खास करके अभी आजकल मैं हॉट प्रॉपर्टी बना हुआ हूँ, हर डिस्कशन में मेरा नाम चला ही आता है वहां से जाकर, तो निश्चित रूप से लोगों को लग रहा होगा कोई खास कोई खिचड़ी पक रही होगी। ऐसा कुछ नहीं था, प्रशांत किशोर जी से मेरी अनौपचारिक पहली मुलाकात थी और वो जानने का प्रयास कर रहे थे कि मेरे दिमाग में क्या चल रहा है, मैं जानने की कोशिश कर रहा था कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है। करीब एक घंटे लंबी ये मुलाकात रही और एक दूसरे से परिचित हुए, एक दूसरे की भावनाओं से परिचित हुए, बिहार के लिए वो क्या सोचते हैं, मैं क्या सोचता हूँ, हम दोनों एक दूसरे के बारे में जाने। अब ऐसा है कि ये तो बड़ी खुशी की बात है कि प्रशांत किशोर जैसा पढ़ा लिखा टेक्नोलॉजी में, मतलब टेक्नोलॉजी का उपयोग करने वाले व्यक्ति, जानता है टेक्नोलॉजी कैसे उपयोग किया जाता है और चुनावी रणनीति में एक से एक कीर्तिमान स्थापित करने वाले प्रख्यात व्यक्ति, मैं आपको ठेठ बिहारी कहे और कहे कि मैं बिहार के लिए काम करना चाहता हूँ, बिहार में एक क्रांतिकारी और दूरगामी बदलाव के लिए प्रयास कर रहा हूँ, तो निश्चित रूप से तो हमारी उनकी भावना तो एक है। मैं भी राजनीति में इसीलिए आया, मैं तो कहता नहीं कि राजनीति मेरे लिए पेशा है, राजनीति मेरी रोजी रोटी है, मैं तो राजनीति को मैंने चुना ही कि ताकि मैं बिहार में कुछ परिवर्तन कर सकूं। तो आज इस परिवर्तन करने में मेरे को अगर प्रशांत किशोर जैसा जो साथी मिले तो ये तो मेरे लिए समाज की बात है ना, क्योंकि मेरा उद्देश्य ही है कि बिहार में क्रांतिकारी परिवर्तन हो, जल्दी हो और दूरगामी हो। जी सत्यनारायण जी, कहा जाता है और आपकी जो पिछले राजनीति के जो अवधारणा रही है, जिस तरह से आप काम करते हैं, लोगों के बीच में रहते हैं, उसे देख करके लगता है कि आप लोगों के बीच में रहना चाहते हैं पूरे चुनाव में और उस चुनाव के बाद भी या उससे पहले भी आप लोगों से जुड़ते रहे और बिहार के बेहतरी के लिए आपने कई ऐसे काम किए हैं जिसकी चर्चा करनी जरूरी नहीं है, बिहार के लोग जानते हैं। अब प्रशांत किशोर इसी तरह के सुराज की बात कर रहे हैं, तो क्या आपको लगता है कि आप और प्रशांत किशोर मिल करके बिहार में सुराज की एक नई शुरुआत कर सकते हैं? कर सकते हैं, इसको तो मैं मानता हूँ, लेकिन करेंगे कि नहीं करेंगे इस पर तो अभी विचार हो रहा है, क्योंकि प्रशांत जी भी जानना चाहेंगे कि मेरे साथ उनका वेवलेंथ मैच करेगा कि नहीं करेगा। मैं भी इस प्रयास में हूँ, जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्या हम लोग का वेवलेंथ मैच करेगा। अगर करेगा, कोई हड़बड़ी न उनको है न मुझे है, हम दोनों ही एकदम आराम से समझ कर काम करना चाहते हैं ताकि जो एक बार योजना बने उस योजना को फिर उसको धरातल पर उतारने में उसमें त्वरित कार्य हो, लेकिन योजना बनाने में अब कैसे करना उसके लिए हम लोग अपने आप को समय देना पसंद करते हैं जी। एक सवाल बिहार के लोगों के जहन में और है, वो सवाल है कि जिस तरह से एक सवर्ण समाज को लेकर के कहा जाता था कि ये भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं और अब जबकि एक नई धारा शुरू हो गई है पिछले एक महीने में, जो जिस तरह के परिणाम आए हैं उसके बाद से कहा जा रहा है कि चूंकि प्रशांत किशोर भी सवर्ण हैं और सवर्ण अब अपने अधिकार हक हुकूक की लड़ाई के लिए एक बार फिर से अपने अधिकार के लिए अपने सम्मान के लिए शुरू कर दिए हैं, अपने युद्ध स्तर पर अपने आप को तैयार करने लगे हैं, तो क्या उसका ये हिस्सा माना जाए इसको? बाबा मैं एक बात कह दूं, कोई भी समाज आज के तारीख में कहीं किसी का बंधुआ नहीं है जी। नेताओं के मन में भावना है कि ये जाति मेरी है, ये जाति मुझे वोट करती है, ये जाति मेरी बंधुआ है, क्योंकि वो सिर्फ नेताओं के जहन में है, ये जितना समीकरण और कैलकुलेशन करते हैं नेता करते हैं जी। जनता जो है अब सही लोगों को ढूंढ रही है जी। मेरा चुनाव देखिए, टोटल 5,450 वोटर थे सारण में हमारे जी जी, जिसमें 50 भी मेरे समाज से नहीं आते जी। अब मैं 2019 वोट पाकर 11 गुना ज्यादा वोट पाकर भाजपा के मुकाबले में जीता, जो कि माना जाता है कि सवर्ण जो है भाजपा के साथ रहते हैं। ये क्या इंगित करता है कि हर वर्ग का वोट मिला और हर वर्ग के वोटरों ने एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को अपना नेता मानना स्वीकार कर लिया और बड़ी बड़ी पार्टियों के नेताओं को छोड़ दिया। 55% वोट मुझे प्राप्त हुए,
और इसी तरह देखिए, अगर तो पिछले दो चुनाव में 14 में 19 में दो बार नरेंद्र मोदी जीते, भारी बहुमत से जीते बिहार से जी। ये कैसे हुआ? अगर अगर कोई खास जाति विशेष किसी एक जगह पर बली हुई है तो आखिर वो जाति विशेष ने कैसे वोट कर दिया नरेंद्र मोदी को? जाति विशेष ने कैसे वोट कर सच्चिदानंद राय को? तो पात्रता के जरूर लोग देखते हैं। नेताओं के मन में जाति बहुत बड़ी चीज हो सकती है और समीकरण रखना ही पड़ता है और संतुलन बनाने के लिए आवश्यक भी है कि हर जाति को जैसे प्रतिनिधित्व मिले, लेकिन वोटर जब वोट देने आता है तो एक होता होता है जी, उसके जी, दिमाग में एक अच्छे नेता की छवि होती है। जो अच्छा होगा उसको देखिए, विकल्प ना हो तो ठीक है, अपने जाति के साथ बह जाता है। जी आपका 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 बहुत समय हम नहीं लेंगे चूंकि आप एयरपोर्ट पे हैं और आपसे बातचीत हमारी हो रही है, आपने समय दिया। लेकिन एक बात तो हम जरूर आपसे अंतिम में पूछना चाहेंगे कि क्या आपने वो फाउंडेशन की ईंट डाल दी है जो बिहार को बदलेगा? मेरी शुरू से आज से 12 साल पहले जब मैंने राजनीति में प्रवेश किया तभी मैंने फाउंडेशन डाली थी, लेकिन उसमें मैं व्यक्तिगत अपने दम पर मैं अपने गांव में कुछ कर रहा था। धीरे धीरे मैंने दायरा बढ़ाया, छपरा को मैंने अपना कार्यक्षेत्र बनाया है और अब मैं इस कोशिश में हूँ, इस जुगत में हूँ कि चाहे जिसके साथ, मैंने कहा था प्रशांत किशोर के साथ मेरी ट्यूनिंग बन ही जाएगी, हम लोग साथ में काम करेंगे ही, लेकिन मैं जरूर ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि प्रशांत किशोर जी काम करें जरूर। एक नहीं कई प्रशांत किशोर की जरूरत है, एक नहीं कई सच्चिदानंद की जरूरत है। हम लोग बिहार को अगर आगे लेकर जाना है तो हम लोग को ये करना पड़ेगा। हम साथ में रहें या अलग अलग काम करें, लेकिन इतना जरूर है कि मैं भी इस जुगत में हूँ कि किसके साथ मिलकर बिहार के बेहतरी के लिए कार्य कर सकता हूँ, और निश्चित रूप से प्रशांत किशोर जी बेहतर प्लेटफॉर्म बनाने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओ जे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली, 9386816700। धन्यवाद।